सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, गिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के खालवा थाने के अंतर्गत खालवा नगर में आज आपको बता दें एक 2 मंजिला अतिक्रमण को हटाया गया। यह जो अतिक्रमण था वह खालवा के पूर्व उप सरपंच अजय पटेल का बताया जा रहा है। वहां पर अजय पटेल ने एक शासकीय कुआं था और बाजू में भैरव बाबा का मंदिर था। उस मंदिर और कुएं के पास उन्होंने 2 मंजिला अवैध निर्माण करा लिया और उस मंदिर को उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। पुलिस प्रशासन का कहना है, खालवा एसडीएम का कहना है कि मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उसे पुजारी बुलाकर, पंडित बुलाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उसकी दूसरी जगह कराई गई और इस मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाएगा। कुएं को भी दोबारा बनाया जाएगा ताकि खालवा के लोग पानी पी सकें। खालवा के लोगों ने बताया कि ये जो कुआं था इससे पूरा खालवा पानी पीता था, ये बाड़ी थी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर, इस बिल्डिंग को लेकर, अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी, जिसके बाद उस जगह का सीमांकन कराया गया। सीमांकन में शासकीय भूमि होना पाया गया और वहाँ पर कुआं बावड़ी भी पाई गई और जो मंदिर है वह उसके बाजू में होना पाया गया। मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा से, विधि विधान से उसकी दूसरी जगह शिफ्टिंग की गई है और पुलिस प्रशासन की टीम का कहना है कि जब यहां शासकीय भूमि को फ्री करा लिया जाएगा उसके बाद मंदिर का दोबारा निर्माण कराया जाएगा और विधि विधान से जो वहाँ भगवान जी की प्रतिमाएँ हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा वापस मंदिर में कराया जाएगा। परंतु आपको बता दें अजय पटेल ने बताया जा रहा है कि मंदिर को जानबूझ के बिल्डिंग में रखा ताकि उसको उसका कवर मिल सके, मंदिर का कवर मिल सके, लेकिन पुलिस प्रशासन को लगातार इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। फिलहाल बिल्डिंग तोड़ने का कार्य जारी है। हालांकि उस दौरान अजय पटेल ने खुद बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग टूट रही थी उसके दरवाजे खिड़की खुद उठाकर रखे, कोई विवाद की वहां पर कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। लेकिन खालवा में जब सुबह सुबह भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों में एकदम चर्चा का विषय बन गया। अजय पटेल का यह जो अतिक्रमण था अवैध रूप से जो शासकीय भूमि पर किया गया था उसे तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम तोड़ी थी और उसको तोड़ने का काम अभी जारी है। मंदिर को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, मंदिर दोबारा स्थापित किया जाएगा। भगवान जी की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडित की मदद से, विधि विधान से दोबारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी और फिलहाल वहां पर आपको बता दें अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम जारी है। अरे सर मना कर रहे हैं यार, वो कोई कह रहा हूँ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं सर, आप चलो ठीक है, सुनो या मेरे क्या बात दादो को या सर, ये जो मंदिर पर ही स्थापित था किसी से भी पूछ सकते हैं आप, इसको रहने दीजिए, हम किसी को नहीं कह रहे। मेरे बच्चा वीडियो बनाना पड़ेगा, ये माने छोटा भतीजा है मेरा, थोड़ा थोड़ा देखा भगवान का काम है। और तो मंदिर छोटे से छोड़ देना,
पवित्र करवा देना आप लोगों का भी क्या भगवान बहुत क्योंकि जब मंदिर अच्छा का बना बना इसको छोड़ दे ऐसा कुछ क्या तोड़वाना ठीक है मंदिर छूट जा तो थोड़ा सा कि उधर से जो आगे जो दुकानें खरीदी हुई है वो क्या सोनी की है तो वो क्या खुलवा गया उसका सामाना वो सही है वो अगर क्या है कि मैंने इसको थोड़ा क्या इस तरीके से कटवा देना कि मंदिर रह जाए ऐसा कैसा थोड़ा फिर क्या बनाना ना पड़ेगा अच्छा सा बना रहे नहीं नहीं अरे अच्छा सा क्या यही अच्छा बना आपको ये क्या डाले आपको तो बहुत अच्छा लगा ये वाला काम।